नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार की सियासत इन दिनों खूब गर्माई हुई है। गर्माई भी क्यों ना, एक और नीतीश कैबिनेट के मंत्री जो बीजेपी कोटे से हैं, रामसूरत राय, कह रहे हैं कि सीमांचल के इलाकों में बड़ी तेजी से घुसपैठिए घुस रहे हैं। और दूसरी ओर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब तस्करी को लेकर हो रहा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एम्बुलेंस से शराब तस्करी की तस्वीर सामने आने के बाद सरकार पर बड़ा हमला बोला। तो अब नीतीश कैबिनेट के मंत्री बीजेपी कोटे से ही हैं प्रमोद कुमार, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को कुछ पता है, 20 साल पहले तो छोटे थे, अभी तो 25 साल के हुए ही हैं, उनके माता पिता के राज में क्या होता था, जरा सुनिए सबसे पहले आप प्रमोद कुमार को। पूछिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या किए हैं, बोला है ना जी, ये भी बात तो बोले हैं आज जन्मदिन के ऊपर, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जन्मदिन पर कोविड के लिए मनाया जाएगा, तो क्या बोले कि प्रधानमंत्री क्या क्या किए हैं, और उनसे पूछा जाए कि उनकी मम्मी पापा क्या क्या किए हैं, तो थोड़ा अब जिसका उम्र 25 साल है, ऊपर 20 साल पहले का हल्का जानेगा, जिसका उम्र 25 साल है तो 25 साल पहले स्टेशन पर उतरना कितना कठिन था, मोतिहारी से गोपालगंज जाना कितना कठिन था, अब मोतिहारी से पटना आना कितना कठिन था, हैं तो ये सब, और कोई सेवादारी के केस में थोड़े रांची में हिरासत में थे, सब लोग जानते हैं, कोनो आज़ादी आंदोलन वाला केस थोड़े था, सेवादारी वाला आंदोलन वाला, ये समझने की बात है। कितना गंभीर मुद्दा है मंत्री जी, एक सांसद निधि से खरीदे हुए एम्बुलेंस में शराब हो जाता है। देखिए ये तो उसके ऊपर तो हम धन्यवाद देंगे अधिकारी को जो इसको पकड़ा, और वैसे जो तथाकथित जो अवैध काम करने वाले लोग थे उनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की। देखिए कोई भी निधि के, अब बिहार सरकार का गाड़ी है, आ गाड़ी पर कोई आदमी बैठ के अवैध काम करेगा तो सरकार थोड़े दोषी होता है, वो जो काम करने वाला ना दोषी होता है। तो संजोग देखिए कि हमारे अधिकारी तत्परता से उसे पकड़ कर और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर लिए कर रहे हैं, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये बात समझ लीजिए कि सारा उनका रोब रुआब खत्म हो जाएगा। सर एक सवाल ये बनता है कि इससे पहले भी राजीव प्रताप रूडी जी एम्बुलेंस को लेकर विवाद में थे, उन्होंने उस वक्त कई तथ्य दिए जिसमें उन्होंने कहा कि सारे एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग वो खुद करते हैं, हर एक एम्बुलेंस में GPS ट्रैकर लगा है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है या फिर एक लूप है जो कहीं ना कहीं टूटा है। देखिए ये जो है, अब हम लोग जो है अपने विधायक निधि से हम गाड़ी खरीद के नगर पालिका को दे दिए, हम गाड़ी खरीद के हॉस्पिटल को दे दिए, मुखिया को दे दिए या जिसको दे दिए, तो जो लिया उसको ऊपर काम करने की जिम्मेदारी है। ये तो हम कहिए रहे हैं कि गलत किया तो हमारे अधिकारी ने उसको पकड़ा और उसके विरुद्ध कार्रवाई किया, तो इसका माने थोड़े है कि जो देने वाला आदमी है वो दोषी है, जो गलत किया उसके ऊपर तो कार्रवाई। सवाल है सर, क्या शराबबंदी वाकई में सफल है या इस तरीके का जो उदाहरण सामने आ रहे हैं इस पर अब चर्चा करने का जरूरत है, क्योंकि आपके सहयोगी दल के नेता हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि अब समीक्षा करने का वक्त आया है। देखिए जो शराबबंदी जो कानून है ये कोई एक पक्षीय कानून नहीं है, सर्वसम्मति से सदन ने हाथ उठाकर संकल्प लेकर इस कानून को सभी माननीय सदस्यों ने बनाया है। और आपको भी ये बता दे कि जो अवैध काम कर रहे हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है, ताला लगा दिया घर में हैं, आ चोर ताला तोड़ कर घुस गया तो चोर पकड़ा जाता है, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होती है। तो कानून हम बना दिए, आ कानून का पालन भी हो रहा है, तो लगातार उसके पास कोई एजेंडा है, विपक्ष के पास प्रोपगंडा छोड़कर दूसरी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इतना 25 साल में 75 साल की आज़ादी है, 50 साल एक परिवार ने राज किया, 15 साल एक परिवार ने राज किया, क्या किया? आप देखिए
अब जिसका उम्र 25 साल है उसका 25 साल पहले के हाल जानेगा। क्या लगता है मंत्री जी, शराब तो अब जो है, अब जिसको ये जिसको 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 ये दिखाई नहीं देता है डेवलपमेंट, तो उसको जाके यहाँ का इलाज कराना चाहिए। क्या लगता है मंत्री जी, थोड़ी सी और सख्ती होनी चाहिए शराबबंदी कानून पर, पुलिस को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पार करके शराब पहुँच रहे हैं, कोई ट्रक पकड़े जाते हैं तो कोई छूट भी जाते हैं, कभी चोर भी जो है वो चोरी करके फरार हो जाता है, पकड़ा नहीं जाता। ये को बात समझिए, चाहे जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा क्रिमिनल हो, यह वह राज है कि जमीन के अंदर से भी खोद के अपराधी को पकड़ा जा रहा है। अब पहले का राज क्या था, अपराधी कहाँ पकड़ाते थे, अपराधी का संरक्षण संवर्धन कौन करते थे? अब कोई सीनियर नेता से आप जाकर पूछिएगा, कोई सीनियर पत्रकार से पूछिएगा, आप लोग का तो उम्र अब देख रहे हैं ज्यादातर लोग का 30 बरस के नीचे वाला, अब 50 बरस वाला पत्रकार कोई अगर रहता तो बात बता देता कि पहले अपराधी कहाँ पकड़े जाते थे, अपराधी को कहाँ से ट्रीट किया जाता था, ये सब रिकॉर्ड में है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर कितना बार कमेंट किया है। तो मंत्री प्रमोद कुमार का यह बड़ा बयान, प्रमोद कुमार ने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा कि आपको कुछ पता है, अभी तो बहुत छोटे हैं, 20 साल पहले बिहार में क्या होता था। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, इसको लेकर मंत्री जी काफी भड़क गए और मंत्री जी कहने लगे कि याद है आपको आपके माता पिता ने क्या किया है। देखना भी दिलचस्प होगा बिहार की सियासत में फिलहाल माहौल कब तक गरमाई रहती है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।